वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा डीडी फ्रीडीज के बारे में और बताऊंगा कि डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे अब चैनलों की बारिश होने वाली है, यानी कि डीडी फ्रीडीज पे अब आपको और नया चैनल्स देखने को मिलने वाले। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, डीडी फ्रीडीज की तरफ से एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे और नए चैनल्स ऐड करने के लिए ट्रांसपोंडर की ज़रूरत है, यानी कि जो ट्रांसपोंडर्स अभी है उस पर जितनी कैपेसिटी थी उतना चैनल ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब बात हो रही है कि उस ट्रांसपोंडर बढ़ाने के लिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल डीडी फ्रीडीज के ग्राहकों को मिल सके। ये ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन डीडी फ्रीडीज के सीईओ शशिशेखर वेम्पति सर की तरफ से आया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने इसरो से रिक्वेस्ट डाला है ट्रांसपोंडर को बढ़ाने के लिए। फिलहाल अभी 6 ट्रांसपोंडर है जिसमें 5 ट्रांसपोंडर पर MPG-2 और 1 ट्रांसपोंडर पर MPG-4 के चैनल्स चलते हैं। आने वाले टाइम पे 2 से 3 ट्रांसपोंडर भी अगर इसरो की तरफ से बढ़ा दिया जाता है तो डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए 50 से 60 चैनल और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा ट्रांसपोंडर बढ़ाया जाएगा उतने ज़्यादा चैनल्स नए आने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों, डीडी फ्रीडीज के साथ 1-2-3 फायदे हो सकते हैं अगर ट्रांसपोंडर बढ़ने से। अगर ट्रांसपोंडर बढ़ेगा तो डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ़ चैनल्स बढ़ेंगे। अगर आप नंबर ऑफ़ चैनल्स बढ़ेंगे तो डीडी फ्रीडीज को कैरेज फी भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर जो भी चैनल सेलेक्ट होता है उनके लिए बेसिकली उनको ई ऑक्शन करना होता है, और ई ऑक्शन में जो चैनल सेलेक्ट होते हैं उन्हीं चैनलों को डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर ऐड किया जाता है। तो डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे चैनल्स को चलाने के लिए करोड़ों रुपए एक साल में पे करना पड़ता है चैनल वालों को। अगर ट्रांसपोंडर यहाँ पे बढ़ाया जाता है तो ट्रांसपोंडर का एक्सपेंस निकालने के लिए कहीं न कहीं चैनलों का ई ऑक्शन कराया जाएगा, जिससे MPG-2 और MPG-4 में नए नए चैनल्स ऐड किए जाएंगे। जिस तरीके से HD चैनल्स पहले चलता था, DD दूरदर्शन का HD चलता था, न्यूज़ का HD चलता था, स्पोर्ट्स का HD चलता था, तो बीच में से बंद करना पड़ा था क्योंकि MPG-4 स्लॉट्स में नॉर्मल चैनल्स ऐड करने के लिए। तो अगर ट्रांसपोंडर यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, अगर इसरो और जो डीडी फ्रीडीज के सीईओ का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें अगर ट्रांसपोंडर्स अगर बढ़ जाते हैं, 2 या 3 भी ट्रांसपोंडर अगर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आपके 50 से 60 नए चैनल्स और आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अब जैसे ही शशिशेखर वेम्पति सर की तरफ से अगला जो अपडेट आएगा ट्रांसपोंडर को लेकर, कि अगर ट्रांसपोंडर उन्हें मिल जाता है सेम डायरेक्शन में, जो ट्रांसपोंडर अगर उन्हें मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि और ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें जनरली जो अभी मूवीज़ कैटेगरी है, म्यूजिक कैटेगरी है, न्यूज़ कैटेगरी चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के चैनल्स हैं, और भी नए नए चैनल्स आने के काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बनेगा। अभी के टाइम पे स्लॉट्स कम होने के वजह से कंपटीशन ज़्यादा है, चैनल्स बहुत ज़्यादा FTA में अवेलेबल है और सभी लोग चाहते हैं डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे ऐड हो, बट ड्यू टू जो ज़्यादा ऑक्शन में बोली लगाता है उनके चैनल ही ऐड हो पाते हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर स्लॉट्स बढ़ेगा तो भले ही ई ऑक्शन की अमाउंट कम हो जाएगी, बट नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रसार भारती को भी फ़ायदा होगा, साथ ही ग्राहकों को भी फ़ायदा हो सकता है, और इससे DTH और केबल TV के प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये अपडेट आ रही थी दोस्तों, होप सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।